वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि हमारा जिस्म बिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना है, और उस हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। एनिमल के सेल में उसके सेंटर में होता है, बल्कि प्लांट के जिस्म भी, प्लांट्स भी सेल से मिलकर बने हैं, और वहाँ पर भी हर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और उसके अंदर न्यूक्लियस उसके सेंटर में नहीं होता है, बल्कि वो किसी भी तरफ होगा उसका चांसेस है। लेकिन एनिमल्स के जिस्म के अंदर न्यूक्लियस सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बात हम कर रहे थे कि न्यूक्लियस को किसने दरियाफ्त किया। अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें सेल को, एक साइंसदान जो कि रॉबर्ट हुक के नाम से हम जानते हैं, उसने 1665 ईस्वी में दरियाफ्त किया। इसके बाद बहुत साल बाद 1831 ईस्वी में, तकरीबन 2 सदियाँ बाद, 2 सदियाँ गुजरने तक किसी को यह पता नहीं चला कि सेल के अंदर और कुछ चीज़ें हैं या कि नहीं है। सेल के अंदर और क्या है किसी को पता नहीं था। और इसके बाद 200 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद सेल डिस्कवरी है एक और साइंसदान रॉबर्ट हुक के बाद, रॉबर्ट ब्राउन नामी एक साइंसदान ने 1831 ईस्वी में सेल के अंदर एक न्यूक्लियस डिस्कवर किया। यह है न्यूक्लियस की एक डिस्कवरी। पर मैंने बात किया कि न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ और किसने डिस्कवर किया। ये था रॉबर्ट हुक, जो कि रॉबर्ट हुक नहीं बल्कि रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था 1665 ईस्वी में। और इसके बाद एक दूसरे साइंसदान रॉबर्ट ब्राउन नामी साइंसदान 1831 ईस्वी में उन्होंने आर्चिट्स के खुलियों में एक गोल जिस्म न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। यह है न्यूक्लियस की डिस्कवरी।